दोस्तों, सुबह सुबह मस्त तरीके से नहा धोके आज को हम मंदिर में, और मंदिर में आने का रीजन जो है, आज सुबह सुबह मुझे पहले करना है हरेला पतेसना है, और मुझे हरेला पतेस लेता हूँ फटाफट से। ये देख के कुछ हरेला हमारे इस तरीके से हो रखा है, तो हरेला पतेस लेते हैं, इसे काट लेते हैं। जागीरया जुग जुग बची रया। दोस्तों, हरेला प्रतिष्ठा और हरेला काटने के बाद मस्त तरीके से जो ना सभी को बांट दिया है, और अभी मैं जो हूँ आया हूँ मंदिर, देवी मंदिर पे। तो चलिए जी, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को उत्तराखंड के इस लोकप्रिय पावन त्यौहार हरे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जी, साथ में जो है आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। चलिए, ओहो दगड़े, नमस्कार। पहला नए दिन की नई शुरुआत के साथ गोपाल कांडा ब्लॉग में इन पहाड़ों की खूबसूरत वादियों के साथ आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं भी ठीक ठाक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो चलिए जी, मंदिर में आ ही चुके हैं, तो सबसे पहले जो मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं, जिस काम के लिए हम आ रखे हैं। चले फिर दोस्तों, मंदिर में भी तो पूजा पाठ कर ही लिए हैं, और आप सभी लोगों को भी दर्शन करवा दिए गए हैं, और चलते हैं अब अगले मंदिर यानी गोलजू मंदिर की ओर। और आज मुझे कम से कम 3 से 4 मंदिर होके आने हैं, और टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है दोस्तों, करीब 10 बज चुके हैं, और धूप इतनी तगड़ी लग रही है, क्या ही बताऊँ भाई साहब। चलिए जी भाई, एक बार साहब से तो चलिए जी दोस्तों, सीधे निकलते हैं गोलजू मंदिर की ओर। फाइनली दोस्तों, गोलू मंदिर में भी आ चुके हैं, और गोलू मंदिर में आने के बाद जो है ना पूजा पाठ भी कर लिए है। तो चलिए जी दोस्तों, आपको गोलू देवता और नाथ देवता के दोनों के भी दर्शन करवा देते हैं। और दोस्तों, इधर से देखिए जी भाई, चारों तरफ भाई क्या ही हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, और सामने देखिए भाई क्या ही नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है, बहुत ही प्यारे नज़ारे। यहाँ पे जो है दोस्तों, अभी जो है ना बहुत ही ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, और ऐसा मन कर रहा है कि दोस्तों यहीं मैं बिस्तर ले आता तो यहीं सो जाता, क्योंकि इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है, और पूरा दिन, और हमारे घर के साइड इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और इधर देखो तो भाई इतनी प्यारी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आए हाय आनंद आ गया। चलिए जी दोस्तों, गंगनाथ देवता और गोलू देवता के मंदिर में भी जो है पूजा पाठ कर ली है, लेकिन और अभी मुझे जाना है ताई जी के का मंदिर के यहाँ पे, यानी खुशहाल भाई के यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करने से। तो चलिए जी, अपने यहाँ तो सारी मंदिरों में पूजा हो चुकी है, और अब जो है उनकी बारी है, तो चलते हैं उनके मंदिरों में पूजा पाठ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा गाँव कितना प्यारा लग रहा है, ये देखो कितने प्यारे नज़ारे यहाँ से नज़र आ रहे हैं, और नीचे की तरफ सारे खेत सिड़नवानु है। देखो चलिए जी दोस्तों, ताई जी सामान भी ला चुकी थी, और मैंने पूजा पाठ भी कर दिया, एक बार आपको मंदिर के दर्शन भी करवा देते हैं। चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, इस साइड पे सभी लोग अपने काम पे लगे हैं, गुड़ाई करने पे, और इस तरफ का नज़ारा जो है ना बहुत ही प्यारा देखने को मिल रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, देखो भाई बहुत ही प्यारे, और ऊपर के सामने की ओर से ना बादल लग चुके हैं, साइड से बारिश भी हो सकती है शाम तक। जी दोस्तों, अभी शाम करीब 5 बजे हैं, और मैं और महिंदा भी निकल रहे हैं क्रिकेट मैच देखने के लिए। आज हम क्रिकेट खेलने तो जा नहीं पाए, क्योंकि आज जो है 12 तक के दोस्तों ने करा रखा है मैच, और हम उनका मैच एंजॉय करने जा रहे हैं देखने। क्यों महिंदा? चलो दोस्तों, यहाँ पर देख के इन भाई लोगों का चल रखा है मैच, और यहाँ से भी जो देखने को मिल रहा है बहुत ही प्यारे सीन। बढ़िया शॉट, रात करीब 9 बज चुके हैं, और उनका क्रिकेट मैच देखने के बाद और खूब इंजॉय करने के बाद जो थे हम घर आ चुका था टाइम से, और लेकिन मैं फिर लग चुका था व्लॉग एडिट करने पे और वीडियो पोस्ट करने पे। तो चलिए जी, अभी खाली हो रखा हूँ,
और भाई जी देखो पूरा अंधेरा हो चुका है, और अंधेरे में ऊपर देखिए भाई फूल जो है हमारे ना किस तरीके से प्यारे प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए दोस्तों जो हमने ये बेल के लिए जो लगा रखा है ये कितना बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है शाम के टाइम पे। इधर की बात करूं तो देखो भाई दोनों माँ बेटे जो है ना खाना खाने पे लगे हुए हैं, इनको भी खाना दे दिया है। इधर की बात करें तो इधर मम्मी जो है खाना बनाने में लगी है, यानी रोटी बनाने में लगी हुई है, और सब्जी तो हमारी बनके तैयार हो चुकी है, बस सास खाना बना लेगी तो उसके बाद साथ में जो है खाना खाते हैं। और आजकल जो मम्मी लोग हैं बाहर से ही खाना बना रहे हैं क्योंकि बहुत क्योंकि अंदर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस वजह से। क्यों मम्मी? इस वजह से जो है खाना बाहर से ही बना रहे हैं, तो उनके भी तैयार हो चुका है और मस्त तरीके से मेरे लिए खाना भी आ चुका है। और दोस्तों खाने में जो है देखिए भाई रोटी के साथ दही, और सबसे अच्छी बात तो है जो अब होने लग चुकी है हमारे घरों में सब्जी, और भाई घर की सब्जी है भाई करेले की मस्त तरीके से। अरे जी दोस्तों मस्त तरीके से खाना पीना भी हो चुका है, और आज खाने में तो था करेले की सब्जी थी भाई, करेले की सब्जी खा के भाई बहुत मजा आ चुका है। मुझे करेले की सब्जी जो बहुत पसंद भी है, मतलब खाना अच्छा लगता है। तो चलिए जी ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। चैनल पर नए हो तो नीचे आपको ब्लैक कलर का बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दिए, साथ साथ ब्लैक में भी प्रेस कीजिए जिससे सबसे पहले आप सभी को अपने भाई की ब्लॉग की नोटिफिकेशन मिल पाए। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय श्री राम।